भारत श्रीलंका के बीच सुपर चार के मुकाबले में भी बारिश ने दस्तक दी और एक बार फिर से मुकाबले को रोकना पड़ा। इंडिया के मुकाबले में एशिया कप में ऐसा कोई मैच नहीं रहा जिसमें बारिश ना हुई हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान से हो या फिर नेपाल। बारिश ने अपने दस्तक देते हुए टीम इंडिया के मैच को हर बार रोका। ये श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में भी देखने को मिला। बता दें कि इस मुकाबले में बारिश ज़्यादा देर तक नहीं हुई और कवर्स भी जल्दी हटाए गए, लेकिन इस मुकाबले में बारिश की संभावनाएं ज़्यादा हैं और बरसात बार बार भी हो सकती है, जिसकी वजह से शायद ये मुकाबला रद्द भी हो जाए। आपको बता दें, वनडे क्रिकेट का एक नियम है जिसमें DLS मेथड लग सकता है। DLS मेथड ये कहता है कि अगर एक टीम 50 ओवर खेल जाती है तो दूसरी टीम को 20 ओवर खेलने होंगे अगर परिणाम मुकाबले का चाहिए तो। लेकिन अगर श्रीलंका की टीम 20 ओवर नहीं खेल पाती है तो ऐसे में फिर क्या होगा, ये जान लेते हैं। और मुकाबला अगर रद्द हो गया, आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है तो फिर भारत और श्रीलंका दोनों टीमों को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। वहीं इस मुकाबले के धुलने से पड़ोसी देश पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। इस स्थिति में पाकिस्तान की टीम के पास एक मुकाबला बचेगा जिसे उन्हें हर हाल में जीतना ज़रूरी हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत श्रीलंका क्या इस मुकाबले के धुलने से 3-3 अंक हो जाएंगे और दोनों के पास एक मुकाबला बचेगा। वहीं पाकिस्तान टीम की बात कर ले तो फिर पाकिस्तान के पास 2 अंक होंगे, ऐसे में उनको 4 अंक के साथ ही फाइनल में जगह बनानी होगी। वहीं श्रीलंका और भारत के पास 5 अंक लेने का मौका होगा। तो यानी कि अब पाकिस्तान की टीम भी ये दुआ कर रही होगी कि ये मुकाबला ना धुले और इस मैच में श्रीलंका को भारत हराते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाए और 17 सितंबर को फिर से भारत पाकिस्तान का एक महामुकाबला देखने को मिले। बहरहाल, फाइनल से पहले तो भारत के फैंस भी नहीं चाहेंगे कि लगातार बारिश एशिया कप का मुकाबला ख़राब करे और मुकाबले में इस तरह से रुकावट आए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।